यूथ कांग्रेस लुधियाना के प्रधान राजीव राजा के खिलाफ नकली दस्तावेज बनाने का मामला दर्ज किया गया है। राजीव राजा ने नकली दस्तावेज के आधार पर यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़े थे। गुरसिमरत सिंह मन ने जानकारी देते हुए बताया कि राजीव राजा, जो अब यूथ कांग्रेस का प्रधान है, ने नकली दस्तावेज बनाकर यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। गुरसिमरत ने बताया कि वो काफी देर से राजीव राजा के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने को लेकर मेहनत कर रहे हैं। इस सच की लड़ाई में उनका किसी ने साथ नहीं दिया, उल्टा उन्हें जान से मारने की धमकियां देते रहे और रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव डालते रहे। उन्होंने यहां तक कहा कि राजीव राजा जैसे लोग बिट्टू का खर्च चलाते हैं, इसलिए भारत भूषण आशु और सुरेंद्र डावर जैसे लीडर भी उसके साथ हैं। उन्होंने मुझे 5 लाख तक देने की ऑफर भी की थी। गुरसिमरत सिंह मन ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। लुधियाना से अरुण भोगल। राजीव राजा है, प्रधान यूथ कांग्रेस लुधियाना का है, तो उसने ना एक जाति सर्टिफिकेट गलत बना के उसने अपना इलेक्शन लड़ी है। अच्छा। उसके खिलाफ मैंने सीपी साहब जितेंद्र सिंह औलख जी को कंप्लेंट की थी। उन्होंने 1.5 महीने लगा दिया, पर देर आए दुरुस्त आए, सच का साथ दिया सीपी साहब ने। सर्टिफिकेट था वो, उसने कुछ टेम्पर्ड किया, टेम्पर किया रिकॉर्ड ऑन डीसी रिकॉर्ड में टेम्पर किया उन्होंने, मतलब कटिंग करके डीसी साहब ने रिपोर्ट दिया है। इसमें डीसी साहब ने रिपोर्ट दिया है, वो कहते इसके नाम पे नहीं है, ना इसके बाप के नाम पे है, ये तो किसी और के नाम पे है, इसने तो रिकॉर्ड में कटिंग किया है। ना सर अमरीत सिंह बिट्टू, वो तो बचा रहे हैं ना, सर अमरीत सिंह बिट्टू एमपी साहब आज तक बचा रहे हैं, उनका खर्चा चला रहे ना जो लोग राजीव राजा, इसलिए उनको बचा रहा है। अभी तो अरेस्ट हो, उनका दूध का दूध पानी जो कांग्रेस के सभी सपोर्टर से इनके बड़े हाई कमांड लुधियाना वाली, इनको सबको बर्खास्त कर देना चाहिए। मेरे साथ मैं श्रीमती सोनिया गांधी से मांग करता हूँ कि जो चोर है, बेईमान लोग हैं, लुधियाना कांग्रेस वाले दलितों का अपमान कर रहे हैं, इन सबको हटवा देना चाहिए। गुरसिमरत सिंह मंड सराबा नगर लुधियाना के रहने वाले हैं, उन्होंने कंप्लेंट सीगियां राजीव राजा के खिलाफ कि इन्होंने 2015 यूथ कांग्रेस के प्रधान की इलैक्शन लड़ी सी, जिथे जित प्राप्त की इन्होंने, लेकिन वो जी चोन सी इन्होंने अनुसूचित जाति का फर्जी सर्टिफिकेट तहसीलदार पछमी के दफ्तर तो हासिल करके लड़ी सी, जिदे आधार पर इन्होंने चोन लड़ी तो चोन जीती, कि वह फर्जी सर्टिफिकेट से वो आधार पर इन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिंद पड़ताल करने तो बाद कानूनी राय लैके तो मुकदमा इन्होंने खिलाफ 94 नंबर मुकदमा 11/7/16 दर्ज किया गया, वक् वक् IPCM धारावान के तहत वो तफ्तीश चल रही है। सब इंस्पैक्टर वरिंदर चोपड़ा तफ्तीश कर रहे हैं, तो जो तफ्तीश के उत्तों तत् सामने आने उन्होंने आधार पर कार्रवाई की जाएगी।